Hello everyone, welcome to GateNet CS classes. Today we are going to continue the MCQ questions from Communication Unit for Paper 1 UGC NET. So without wasting time, let's begin with the questions. Hamara first question hai, the term site stands for. Ab site ki full form pe kafi bar question aa jata hai. Iski full form hai hamare paas Satellite Instructional Television Experiment. Satellite इंस्ट्रक्शनल इंस्ट्रक्शन देने हैं सैटेलाइट ने किस लिए टेलीविजन के एक्सपेरिमेंट के लिए तो हमें इसे याद रखना है एज इट इज इस फुल फॉर्म को तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर टेलीविजन इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पब्लिक कम्युनिकेशन टेंड्स टू अकर विद इन अ मोर अगर एक पब्लिक कम्युनिकेशन हो रही है एक जगह पे पब्लिकली लोगों को इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए क्या बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होना चाहिए लोगों को नहीं समझ आ रहा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हो जाना चाहिए नहीं एक कन्वीनियंट बहुत ही मतलब बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल सा इन्वायरमेंट है ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल हो जाए तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है डेट इज फॉर्मल स्ट्रक्चर जब एक पब्लिक कम्युनिकेशन हो रही होती है कहीं पे या किसी भी तरह की कम्युनिकेशन हो रही होती है द स्ट्रक्चर मस्ट बी फॉर्मल एक तौर तरीका एक सिस्टमाइज्ड वे एक सिस्टम बिल्कुल फॉलो किया जाना चाहिए तो फॉर्मल स्ट्रक्चर फॉलो होना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन नीड्स अ सपोर्टिव सोशल एनवायरनमेंट जब एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हो जाए तो उस वक्त एक सोशल एनवायरनमेंट का सपोर्ट रहना बहुत जरूरी होता है तभी वो इंटरेक्शन एक इफेक्टिव मानी जाती है नॉर्मल केसेस में तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट पैसों का कोई मॉनेटरी केस नहीं है यहाँ पे ना ही पॉलिटिकल है ना ही यहाँ पे मल्टीकल्चरल लोगों से इंटरेक्शन की बात की जा रही है तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो होगा डेट विल बी सोशल इन्वायरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन इस जगह पे हमें सपोर्ट चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मेजर बैरियर इन द ट्रांसमिशन ऑफ कोडिंग डेटा cognitive data in the process of communication in an individuals अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है सिंपली जब हमारे पास किसी तरह का डेटा है कोई क्रिटिकल डेटा है हमने वो कम्युनिकेट करना है किसी को तो उसमें किस तरह के रुकावट आने के चांसेस है लोगों की तरफ से सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है जो यहाँ पे हम लोग कोडिंग एंड कोडिंग फॉलो करते हैं कि जो सेंडर होगा वो एनकोडर होगा जो सेंडर होगा वो एनकोडर होगा मैसेज का जो रिसीवर होगा उसने डेटा को रिसीव करना है ही विल बी द डिकोडर तो जो यहाँ पे कोडिंग की एबिलिटी है अगर वो ये अच्छे से ना फॉलो हो बंदा यहाँ पे एनकोड अच्छे से ना कर पाए और रिसीवर उस चीज को ना डिकोड कर पाए समझ ना पाए डेटा को कि क्या कहना चाहता है सेंडर तो उस वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है ये होती है हमारी इस केस में रुकावट कोडिंग एबिलिटी नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन कम्युनिकेटेड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड स्टीरियोटाइप्स बिकम जब कुछ कम्युनिकेट कर दिया गया है उस वक्त इंस्टीट्यूशनल स्टीरियोटाइप को हम क्या बोलेंगे क्या ये मिथ्स है कोई हमारी इमेजिनेशन है कोई रीजन है या कोई एक्सपीरियंस है हमारा ये तो बिल्कुल ही इनवैलिड से पॉइंट्स दिए गए हैं सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है कन्विक्शंस कन्विक्शंस मतलब एक पावर होती है लाइक कोई रूल्स हो गए कोई रेगुलेशंस हो गए किसी चीज पे हम लोग विश्वास कर रहे हैं उसके सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं तो एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड अगर वे में बात करें तो हमारा कन्विक्शन यहाँ पे मैटर करता है उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस उसकी बिलीव्स उन चीजों को समझना जरूरी है नेक्स्ट क्वेश्चन है मास कम्युनिकेशन में सेलेक्टिव परसेप्शन का क्या मतलब है रिसीवर पे सेलेक्टिव हम बोलते हैं कि सेलेक्टिव परसेप्शन इज डिपेंडेंट ऑन रिसीवर तो इसका क्या मतलब है सपोज कीजिए एक पब्लिक स्पीकर है ये बोल रहा है यहाँ पे ये बोलता जा रहा है एंड यहाँ पे जितने भी पर्संस हैं वो इसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं मतलब सुन रहे हैं इन सब ने सुना बट ये जो दो लोग थे इन्होंने अच्छे से नहीं सुना ये इनकी मर्जी है नहीं सुनना चाहते बट बैठे हुए हैं स्टिल अपनी मर्जी से तो सेलेक्टिव परसेप्शन का मतलब है इन लोगों ने नहीं सुना इनकी रिसेप्टिविटी अच्छी नहीं थी अब ये इनकी मर्जी है सुनना या नहीं सुनना इनका रिसेप्शन अच्छा नहीं था
तो यहाँ पे सेलेक्टिव परसेप्शन का मतलब है लोगों पे, ऑडियंस पे डिपेंड करता है कि वो समझना चाहते हैं कि नहीं समझना चाहते। तो रिसेप्टिविटी इज द करेक्ट आंसर, रिसेप्ट करना, रिसीव करना इंफॉर्मेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीडिया डैट एग्जिस्ट इन एन इंटरकनेक्टेड सीरीज ऑफ कम्युनिकेशन। इंटरकनेक्टेड मतलब एक नेटवर्क बना हुआ है पूरा, जिसके थ्रू कम्युनिकेशन हो रही है, सब तक इंफॉर्मेशन पहुंच रही है, तो इसे हम लोग बोलते हैं नेटवर्कड मीडिया। कनेक्टेड मीडिया का भी वही मतलब, बट ये टर्मिनोलॉजी नहीं है, एग्जैक्ट सही टर्मिनोलॉजी नहीं यूज की हुई, इसको बोलते हैं नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट्थ क्वेश्चन, द इंफॉर्मेशन फंक्शन ऑफ मास कम्युनिकेशन इज डिस्क्राइब्ड एज। जब मास कम्युनिकेशन के थ्रू कोई भी इंफॉर्मेशन हमें मिली है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें मिली है, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे हम बोलते हैं सर्वेलेंस। सर्वेलेंस, चीजों को समझकर इंटरप्रेट कर आप तक इंफॉर्मेशन को पहुंचाया जा रहा है, सर्वेलेंस। इसकी टर्मिनोलॉजी का ये बिल्कुल टेक्निकल वर्ड है जो हमें याद रखना है, सर्वेलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैसेज बीनीथ अ मैसेज इज लेबल्ड एज। अभी यहाँ पे कोई मैसेज दिया हुआ है हेलो, इसके अंदर एक मैसेज दिया हुआ है हाउ आर यू, मतलब पहली हेडिंग तो ये हो गई, इसके अंदर सब हेडिंग हमारे पास ये हो गई, मतलब मैसेज के अंदर एक और मैसेज दिया गया है, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? सब टेक्स्ट, इसे बोलते हैं सब टेक्स्ट। ये हो गई हमारी हेडिंग, ये हो गया हमारा सब टेक्स्ट, टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एनालॉग मास कम्युनिकेशन स्टोरीज आर। एनालॉग मास कम्युनिकेशन है, इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है, दी जा रही है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी जा रही है, तो उस केस में जो स्टोरीज हैं वो क्या हैं? वो स्टैटिक स्टोरीज होंगी, बिल्कुल जैसी है वैसी आप लोगों को बता दी गई है, आप उसे मोल्ड नहीं कर सकते, उसे चेंजेस नहीं कर सकते। तो उस केस में हमारे पास जो स्टोरीज हैं, जो भी इंफॉर्मेशन कन्वेड होगा, डेट विल बी स्टैटिक। स्टैटिक होता है जिसे हम कभी चेंज नहीं कर सकते, जो हमें इंफॉर्मेशन मिल गई इट विल बी kept as it is. Next question है, in communication a major barrier to reception of message is। कहते कि communication हो रही है, अब जब message receive हो रहा है receivers को, उसमें क्या barrier हो सकता है? वही selective perception, लोग नहीं सुनना चाहते, लोगों की मर्जी है। तो देखिए यहाँ पे पहला ही option है audience attitude। ऑडियंस का एटीट्यूड नहीं है कुछ लोगों का समझने के लिए, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोस्ट मॉडर्नाइजेशन इज एसोसिएटेड विद। अब जो भी कम्युनिकेशन होता है ना मेनली, तो जो मेजर इफेक्ट डालता है, जो इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन होती है लोगों तक पहुंचने की इंफॉर्मेशन की, वो क्या होगी? न्यूज़पेपर भी हो सकती है, बट बहुत लोग न्यूज़पेपर तो नहीं पढ़ते, मैगजीन तो बहुत कम लोग पढ़ते हैं, इंफॉर्मेशन बहुत कम जाएगी लोगों तक। रेडियो तो अब के एरा में बिल्कुल मतलब ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुका है रेडियो इन्फॉर्मेशन, तो सबसे यहाँ पे अब जो चल रहा है डेट इज टेलीविजन। टेलीविजन के एडवर्टीजमेंट्स, किसी भी शो की टीआरपी के थ्रू लोगों तक इन्फॉर्मेशन देना, तो टेलीविजन यहाँ पे सबसे अप्रोप्रिएट है, मॉडर्न जो मॉडर्नाइजेशन है हमारे लिए यहाँ पे उस केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, डाई टैक्टिक कम्युनिकेशन किसे कहा जाता है? अब देखिए डाई, डाई का मतलब हो गया टू, टू होता है हमारा इंटर इंटरपर्सनल, ये हमने बहुत बार डिस्कस किया है, तो यहाँ पे डायटिक कम्युनिकेशन मतलब इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कम्युनिकेशन द लैंग्वेज इज। अब हम बात कर रहे हैं तो नॉर्मली, अब मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं कौन सा कोड यूज कर रही हूँ, वर्बल, बात करके आप लोगों को कन्विंस करना चाहती हूँ, आप लोगों तक अपनी इंफॉर्मेशन को लेके जाना चाहती हूँ, डेट इज वर्बल कोड। नॉन वर्बल होता है जब हम इशारों से समझाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग। कहता कि अब जो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन है उसका करेक्ट जो सीक्वेंस है वो क्या होना चाहिए, सबसे पहले क्या चीज होगी? सबसे पहले सोर्स होगा बिल्कुल, देन उसके बाद हमारे पास एक मैसेज भी तो होना चाहिए जिसे हम लेकर जा सकें, मैसेज। नेक्स्ट, अब जाना किसके पास है? रिसीवर के पास जाना है, बट किस थ्रू जाएगा, कैसे जाएगा? एक पहले चैनल फॉलो होगा, उसके बाद चाहे रेडियो है चाहे मैसेज है, किसी भी फोन के थ्रू मैसेज है, कोई भी चीज है, तो चैनल के थ्रू जो है लास्ट में रिसीवर तक पहुंचेगा। सोर्स से रिसीवर तक मैसेज जो है हमारा किस
किसी चैनल के थ्रू पहुंचेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। दीज वर द 15 क्वेश्चंस ऑफ कम्युनिकेशन। तो हम लोग और भी यूनिट्स फॉलो करेंगे नेक्स्ट, फर्दर कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगी कि किस तरह से शॉर्टकट में कुछ क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग क्लियर कर जाते हैं एग्जाम को। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच अगेन।